हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट जीके चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आज हम पढ़ेंगे क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स क्या होते हैं? कपड़े, है ना। आप कपड़े पहनते हो सभी। अब हम दो पर्सन्स होते हैं, एक गर्ल्स पर्सन एक बॉयज पर्सन। ओके, तो वैसे ही देखें, यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की का नाम है कैना और लड़के का नाम है अभी। ओके, तो हेयर कैनास एंड अभीज क्लॉथ्स हैव टू गॉट मिक्स अप। राइट के अगेंस्ट कैना क्लॉथ्स एंड ए अगेंस्ट अभी क्लॉथ। तो इस चैप्टर 7 में कुछ कपड़े गर्ल्स के हैं और कुछ बॉयज़ के हैं, जो क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। जिसको आपको क्या करना है, अगर वो कहना के हैं तो आपको के लिखना है, अगर वो अभी के हैं तो आपको ए लिखना है। ओके, देखिए ये क्या है, आपका शॉर्ट्स, हाफ पैंट जिसको आप बोलते हो। तो ये कौन पहनते हैं? बॉयज पहनते हैं। तो अभी का नाम आएगा, ये ए है। ये क्या है आपका, आपकी बनियान है। ये भी कौन पहनते हैं? बॉयज पर्सन पहनते हैं, है ना। तो ये इसमें भी हम क्या लिखेंगे, अभी का ए लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, बॉयज के शूज है। तो बॉयज के शूज है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद ये क्या लिखा है, हम यहाँ पर क्या है, प्लाजो। तो ये कौन पहनती है, लड़कियाँ पहनती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, के कहना का। ये क्या है, नेक टाई है आपकी, नेक टाई है तो हम इस पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना। ये कौन पहनते हैं, बॉयज पहनते हैं। ये क्या है आपकी, फ्रॉक है। तो फ्रॉक को कौन पहनता है, गर्ल्स पर्सन पहनती है तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ये क्या है आपकी, टॉप है। तो टॉप को भी कौन पहनती है, लड़कियां पहनती है तो इस पर आप क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए आगे, ये क्या है, सैंडल है। सैंडल कौन पहनती है, गर्ल्स पर्सन पहनती है तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, के लिखेंगे, है ना। ये कोट है, सॉरी शर्ट है। तो शर्ट कौन पहनता है, बॉयज पहनते हैं। तो ये क्या, इसमें हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये क्या है, स्कर्ट है। स्कर्ट कौन पहनती है, गर्ल्स पर्सन पहनती है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ये अंडरवेयर किसकी है, गर्ल्स पर्सन की है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, कहना की है, है ना। ये आपकी जैकेट है। जैकेट, ऐसी जैकेट कौन पहनते हैं, बॉयज पहनते हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये कौन पहनता है, बॉयज पर्सन पहनते हैं, ऐसी टी शर्ट तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कहना और अभी के दोनों के कपड़े मिक्स हो गए थे तो उसको हमने के और ए से अलग अलग डिवाइड कर दिया, कौन सा कहना का है कौन सा अभी का है। तो आपको ये पहचानने में अब दिक्कत नहीं आएगी। मैं नोटबुक में इन सभी की स्पेलिंग्स लिखकर आपको सेंड करूंगी, आपको आपकी जीके की नोटबुक में चैप्टर 7 में ये सभी स्पेलिंग राइट एंड लर्न करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में आपको एक साथ पढ़ा रही हूँ सबमिट करके, क्योंकि वो चैप्टर काफ़ी ईजी था, आपको कुछ भी नहीं करना था उसमें। कहना और अभी के केवल क्लॉथ्स ही डिसाइड कर देते कौन से अभी के कौन से कहना के हैं। तो चैप्टर 8 में देखते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप जहाँ आप जिसको आप मंदिर मस्जिद जहाँ लोग जाते हैं, है ना। तो दीज आर सम प्लेस ऑफ वर्शिप पीपल गो टू डिफरेंट प्लेस वर्शिप गॉड, है ना। तो ये वर्शिप जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट जाति समाज के लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं। चूज द करेक्ट नेम ऑफ प्लेस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट द ब्लैंक्स, है ना। यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, इस वर्कबुक में फिल इन द ब्लैंक में सबमिट करने के साथ साथ जब चैप्टर 8 लिखोगे तो आपकी नोटबुक में भी आपको ये स्पेलिंग कम से कम 3-3-4-4 टाइम लिखकर राइट डाउन करना है और उसे लर्न करना है। ओके, हम एग्जाम में आपको लिखकर ओनली फॉर क्वेश्चन लिखकर दे सकते हैं एनी 5 वर्शिप नेम, तो आपको स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए। चर्च, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, टेंपल, फायर टेंपल, जैन टेंपल। ओके,
तो यहाँ पर टेंपल्स के नाम दिए गए हैं जिसको आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किसका है, बुद्धों का मंदिर है ना, टेंपल जिसको आप मंदिर बोलते हो, आप जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ। तो ये आपको यहाँ पर क्या करनी है, ये सारी स्पेलिंग आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है। कितने टाइम लिखनी है, 4-4 टाइम, और लिखकर लर्न करना है। ये आपका मस्जिद है ये। फिर आप देखिए यहाँ पर चर्च है, इसमें कौन जाते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं जो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी में, आपके आसपास भी जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर, क्योंकि टेंपल हमको हिंदू समाज होने की वजह से कहीं पर भी दिखाई देता है ना, मस्जिद बहुत कम दिखाई देते हैं। ये चर्च है जहाँ पर क्रिश्चियन लोग जाते हैं। तो आप देखिए सभी मंदिरों के अलग अलग नाम हैं, सभी को आप गॉड प्लेस कह सकते हो, फिर भी सभी के नाम क्या है, अलग अलग है। जैन टेम्पल जहाँ पर केवल जैन लोग जाते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये फायर टेम्पल और ये आपका गुरुद्वारा। तो आपको क्या करना है, ये सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में राइट डाउन करनी है और सभी स्पेलिंग को कम से कम 4-4 टाइम लिखकर आपको लर्न करना है। चैप्टर 7 में भी जितने भी अंडर गारमेंट्स थे सभी की, जो बॉयज़ के और गर्ल्स के, मैं आपको उसको नोटबुक में PDF उसकी सेंड करूँगी। आपको क्या करना है, उसको अपनी नोटबुक में ही राइट डाउन करना है। तो समझ में आ गया आपको कि कौन सा मंदिर हिंदुओं का होता है, कौन सा मुस्लिम का होता है, कौन सा सिख का होता है और कौन सा ईसाइयों का होता है। तो सबसे पहले देखो, ये जो हमने देखा था ये किसका था, हिंदू का मंदिर। मस्जिद जहाँ मुस्लिम लोग जाते हैं, चर्च जहाँ ईसाई जाते हैं, और गुरुद्वारा जहाँ पर सिख लोग जाते हैं। ये जैन टेम्पल्स है ना। तो आपको सभी को ये स्पेलिंग लर्न करनी है। आपका चैप्टर 7 और चैप्टर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको भी वैसी वर्कबुक और नोटबुक दोनों कंप्लीट करनी है। थैंक यू।